वो बिल्कुल उन्होंने उनकी सही इंसल्ट की है और हम होते तो हम इनसे ज्यादा करते। जो उनका ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ है वो डिजर्विंग था। मुझे आजाद कर दो, मैं नंगी होके फिर ऐसा नहीं है। कल से जो है ना ये लोग कह देंगे कि हमारे कपड़े हमारी मर्जी, पहने ना पहने। आप अपनी बहन बेटी को मार्च में भेजने के लिए तैयार हैं तो हर शख्स इस बात को डराई करेगा कि नहीं नहीं नहीं। औरतों को अपने घर की दहलीज में जो इज्जत मिलती है वो बाहर रोड्स पर नहीं मिल सकती। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट और बेहयाई, इन दोनों में फर्क क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो पहले अपने जो लोग उसकी हमायत करें ना वो पहले अपनी माँ बहन को बाहर भेजे। तीन दिन पहले एक प्राइवेट न्यूज चैनल के ऊपर खलील रहमान कमर और मारवी सरमद साहिबा के दरमियान नोक झोंक हुई थी। उस हवाले से मैं लोगों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या आप खलील रहमान कमर के साथ खड़े हैं या मारवी सरमद साहिबा के साथ। तो आप लोग ये मुकम्मल वीडियो जरूर देखें, लोगों की राय जानें और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक मैसेज दूंगा, वो जरूर सुनिए। ये जो कमर खलील रहमान साहब है ये मेरी नज़र में बिल्कुल राइट है और ये जो मारवी जनाब है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा मजहब हमारा मुआशरा हमें ये नारे लगाने की इजाज़त देता ही नहीं है। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट और बेहयाई, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का जो मौक़िफ़ है वो डिफरेंट हो सकता है और दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए पहले मारवी की तरफ से वो भी नहीं होने चाहिए थे, फिर जो उसका रद्दअमल आया था खलील रहमान की तरफ से वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह उनके मिसबिहेवियर कर रही थी मारवी साहिबा और उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक था, उनको जो उनका ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ है वो डिज़र्विंग था। ये एक बहुत ही गलत प्रोपोगंडा है जो कि हमारे माशरे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, लाइक तबाह कर देगा। खलील रहमान 34 औरतें हैं जो ये मार्च कर रही हैं, उनके बारे में बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ, बस उसे अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी ठीक रखनी। खलील रहमान साहब बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने इस्लाम की बात की है। ये जिस्म और जो है ये तो अल्लाह ताला की मानत है, ये तो नहीं कि तो बस अगर हमने अल्लाह के कवानीन के बगैर चलना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बगैर चलना है। औरतों को अपने घर की दहलीज में जो इज्जत मिलती है वो बाहर रोड्स पर नहीं मिल सकती। मेरे ख्याल में अगर आप पोस्टर्स लेकर बाहर गलियों में रोडों पर निकलते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ऐसा नहीं हो सकता। बेनज़ीर वो प्रेसिडेंट रह चुकी, प्राइम मिनिस्टर मतलब रह चुकी है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट शुरू से हमारे मुल्क में है। खलील रहमान की बात है जो उन्होंने शो में ऑन एयर बात की वो भी कुछ उनकी बातें ठीक है, लेकिन इतना हार्श होना और इतना सख्त बोलना वो भी जेब नहीं देता। जहाँ पे जब औरत पैदा होती थी उसको पैदा होते ही गाड़ दिया, दफन कर दिया जाता था, तो क्या इस्लाम नहीं था जिसने उसको इज्जत दी, एहतराम दिया, ज़िंदगी दी? तो अब आके वो कहे जी मुझे आज़ाद कर दो, मैं नंगी होके फिर, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार इस बात का है वो मीडिया वाले हैं जो इन जैसे लोगों को ला के टी वी बताते हैं, जिन लोगों को नहीं भी पता, जिन बच्चों को नहीं भी पता, ताकि उनको भी पता चले कि बहन चल क्या रही है। जो मारवी सरमद साहब कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो पहले अपने जो लोग उसकी हमायत करें ना वो पहले अपनी माँ बहन को बाहर भेजे, उनको कहे कि ना ये नारा लगाएं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फिर मैं देखता हूँ कि कौन कौन बाहर निकलता है, कौन कौन अपनी माँ बहन को भेजता है। जहाँ तक मंसूर अली साहब की बात है, ये लोग एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं, अमेरिकन लॉबी है, और ये मारवी भी मेरे हिसाब से, मैं मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ये एजेंडे पर ये लोग आते हैं और पाकिस्तान में गुल खिला के वापस चले जाते हैं। हम उनके साथ हैं, उन्होंने जो बात की उन्होंने बिल्कुल ठीक की, और जो ये ख़वातीन कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये तो टोटल गलत है ना, मेरा जिस्म मेरा जो मर्जी कह रहे हैं, इनको तो बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए, इन पर पर्चा होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हम खलील रहमान के साथ बिल्कुल खड़े हैं। खलील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो राइट पे है इस टाइम, क्योंकि वो जो औरतों का जो मार्च बनता है तो औरतों का तो घर की जीनत है, वो तो बाहर निकलने नहीं बनती। खलील रहमान कमर ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है, उसको ऐसे ही करना चाहिए था। हमारा माशरा जो है पहले ही हम मगरब की तहजीब के आदि हो चुके हैं, तो उसने जो भी किया ठीक हो किया। औरत मार्च अगर इस तरह की होती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फिर तो ये औरत मार्च बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर। वो बिल्कुल उन्होंने उनकी सही इंसल्ट की है और हम होते तो हम इनसे ज़्यादा करते। खलील रहमान ने जो किया सही किया, यही बनता था, और मैं खलील रहमान के साथ। खलील रहमान साहब ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, उनके जो कमेंट्स हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो अब नया काम शुरू हुआ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये कोई चीज़ नहीं है। नहीं नहीं, किसी की मर्जी नहीं है, जो अल्लाह पाक का जिस्म है उसकी मर्जी है, जो उसने कवानीन बना दिए हैं उसके मुताबिक हमने चलना है। इस तरह तो हर बंदा उठेगा अपने कवानीन बना देगा, इस तरह तो नहीं चलेगा ना निज़ाम। ये जो औरत मार्च है इसको ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसको।
वो हमारी औरतें बेहयाई करेंगी अगर उनके पीछे लगेंगी तो। उनका बिल्कुल सही है, उनको बोल रहे हैं खलील रहमान कमर, उनके खिलाफ है हम मारवी सरमद के खिलाफ। कैमरा को चाहिए कि इनका नोटिस लें और टीवी चैनल्स को बॉन्ड करें कि अंदर से इस तरह के मौजू पे टीवी पे आगे बात नहीं होगी। खलील रहमान साहब का जो मौकफ़ है बिल्कुल ठीक है। असल में हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और एज ए मुसलमान हमारे तो ये कल्चर ही नहीं है। मैं खलील रहमान कमर साहब के मौकफ़ के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारी वैल्यूज़ और हमारी इखलाकी इकदार जो है वो बिल्कुल भी मारवी सरमद जैसी औरतों के किरदार को बिल्कुल भी नहीं जो है सराहती हैं। खलील रहमान की ज़ुबान है भाई, उसकी मर्ज़ी है, मगर मेरे ख्याल से खलील रहमान ठीक है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखें, इस्लाम औरत को आज़ादी तो ज़रूर देता है, लेकिन जो उसने उसकी लिमिट्स मुकर्रर की हैं उसके साथ होना चाहिए। खलील रहमान साहब ने जो भी कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, हम उनके साथ हैं। मैं खलील रहमान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी जितना भी उन्होंने बोला है मैं उनकी तायद करता हूँ और उनके साथ खड़ा हूँ। खलील रहमान कमर आई थिंक इनका नाम है पूरा, उन्होंने इस मुहिम के ख़िलाफ़ जो आज़ादी मार्च है इसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, हम उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मार्च की मैं मुकम्मल तौर पर बायकॉट करता हूँ, और मैं अब मैं किसी से अगर पूछूँ कि यार आप अपनी बहन बेटी को मार्च में भेजने के लिए तैयार हैं, तो हर शख्स इस बात को डिनाई करेगा कि नहीं नहीं नहीं। ये जो मारवी सरमद कह रही है कि हम सेकुलर इसको बना देंगे पाकिस्तान को, ये उसके पास भी नहीं पहुंच सकती बनाने के ना। कल से जो है ना ये लोग कह देंगे कि हमारे कपड़े हमारी मर्जी, पहने ना पहने। मेरा भी आप सबसे यही पैगाम है कि अपनी माँ बहन को इस झूठे जाली प्रोपेगंडे के पीछे अपनी माँ बहन को मत भेजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ मर्दों से बात की, इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि मुझे बाहर मार्केट में बाजार में मैंने औरतों से इस टॉपिक के मुतालिक बात करना चाही तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। दूसरी बात, दो तीन प्राइवेट तालीमी इदारों में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया और मेरी जहाँ तक एक्सेस थी मैंने लोगों से बात की उधर के, मैं आप लोगों से इस टॉपिक से मुतालिक बात करना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मुझसे लोगों ने बात नहीं की। अगर औरत मार्च के ऑर्गेनाइज़र्स, औरत मार्च के हवाले से जो लोग, जो ख्वातीन अपना एक व्यू देना चाहती हैं, अपनी एक राय देना चाहती है, तो वो या तो मुझे अपनी वीडियो मोबाइल से बनाकर लैंडस्केप, यानी कि मोबाइल को ऐसे पकड़े हॉरिजॉन्टल, इस पोजीशन में मोबाइल को रखे, वीडियो बनाएं और मुझे नीचे जो व्हाट्सएप नंबर ये चल रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर दें। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप लोग किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ भी हैं, किसी इदारे में, प्राइवेट इदारे में जहाँ जॉब कर रहे हैं, आप लोग एक साथ बैठे इकट्ठे हो, तो मैं आता हूँ आपके पास, आप में से टाइम फिक्स कर ले और मैं आपके साथ बैठकर आपकी राय लूँगा और वो ज़रूर चलाऊँगा। और औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स अगर अपनी राय देना चाहती हैं तो वो मुझे ज़रूर बुला सकते हैं, मैं आऊँगा, मैं उनकी राय लूँगा और चलाऊँगा। बिल्कुल ये वन साइडेड प्रोग्राम नहीं है, मैं वो राय लूँगा जो अवाम की राय है। आप लोग भी अवाम में शामिल हैं और मैं भी अवाम में शामिल हूँ। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।